नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जल्दी भारतीय टीम को नया कोच मिलने वाला है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने टीम इंडिया के मुख्य कोच सहित सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्यता मापदंडों के अनुसार मुख्य कोच की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि उसे कम से कम 2 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी होना चाहिए। BCCI के सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया की भी अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड मुख्य कोच के अलावा बल्लेबाजी कोच, गेंदबाजी कोच, क्षेत्र रक्षण कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ व अनुकूलन कोच और प्रशासनिक मैनेजर की नियुक्ति भी करेगा। इन सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई को शाम 5 बजे तक है। जुलाई 2017 में रवि शास्त्री को मुख्य कोच नियुक्त किए जाने से पहले BCCI ने 9 बिंदुओं वाले दिशा निर्देश जारी किए थे। इस बार मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच, गेंदबाजी कोच, क्षेत्र रक्षण कोच के लिए 3 बिंदुओं के पात्रता दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। BCCI का कहना है कि टीम इंडिया के मौजूदा कोचिंग स्टाफ को नियुक्ति की प्रक्रिया में स्वतः ही प्रवेश मिल जाएगा, यानी उनको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। मुख्य कोच को टेस्ट खेलने वाले देश का न्यूनतम 2 साल का कोचिंग अनुभव होना चाहिए या एसोसिएट सदस्य या ए टीम IPL टीम को 3 साल कोचिंग देने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही आवेदक ने 30 टेस्ट या 50 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले होने चाहिए। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण कोच के लिए पात्रता नियम समान है और सिर्फ आवेदक द्वारा खेले गए मैच की संख्या में अंतर है। इन 3 पद के आवेदक ने कम से कम 10 टेस्ट या 25 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने होने चाहिए। भारत के 3 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाले वेस्ट इंडीज दौरे को देखते हुए शास्त्री, गेंदबाजी कोच भारत अरुण, बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ और क्षेत्र रक्षण कोच आर श्रीधरन के अनुबंध को विश्व कप के बाद 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये सभी पुनः आवेदन कर सकते हैं, लेकिन टीम को नया ट्रेनर और फिजियो मिलना तय है, क्योंकि विश्व कप सेमीफाइनल में हार के बाद शंकर बसु और पैट्रिक फरहार्ट टीम से अलग हो गए हैं। वेस्ट इंडीज दौरे के बाद भारत के घरेलू सत्र की शुरुआत साउथ अफ्रीका के साथ 15 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि दोस्तों, शास्त्री को अनिल कुंबले का कार्यकाल विवादास्पद परिस्थितियों में बीच में समाप्त होने के बाद 2017 में मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। यह 57 वर्षीय पूर्व कप्तान अगस्त 2014 से जून 2016 तक भारतीय टीम का निर्देशक भी रहा। भारत ने हालांकि उनके कोच रहते कोई बड़ा ICC टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जरूर जीती थी। हालांकि लगातार विश्व कप में हार के बाद उनकी आलोचना की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।